मैं रक्षांत गुरानी और आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। मुमरा अमृतनगर दरगाह रोड परिसर में एक पान की दुकान से शातिर चोर ने उड़ाए 15,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, कल सवेरे का वक्त होगा 8:30 बजे का, जब दरगाह रोड पर जो पूर्व नगर सेवक है श्री अशरफ पठान शानू, उन्हीं की ऑफिस के बाजू में एक छोटी सी पान की दुकान है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि वो पान वाला जब दुकान खोलने के बाद बाल्टी में पानी लेने गया था, उसी दौरान एक नौजवान युवक दुकान में घुसता है और पान वाला जब दुकान पर वापस आता है उसी के सामने वो नौजवान लड़का दुकान से बाहर भी निकलता है और पास ही में बाजू में बैठ कर के पहले वो इत्मीनान से सारे पैसे गिनता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब पान वाले को उसकी शंका होती है तो अपने काउंटर के अंदर जाकर चेक करता है तो उसके दुकान में से 15,000 रुपये गायब थे। पान वाले का दावा है कि लड़के का नाम पापा है जो कि दरगाह रोड परिसर में ही रहता है। किस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया, आंखों के सामने ही 15,000 रुपये का चूना लगाया गया एक पान की दुकान वाले को, किस तरीके से शातिर चोर ने बड़ी चालाकी से 15,000 रुपये उड़ा भी लिए और उसी के सामने बैठ कर के गिने भी, आइए देखते एक झलक डालते आज की इस विशेष खबर पर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार प्रजापति। राजेश भाई, ये आपकी दुकान में कल क्या वारदात हुई? सर सुबह 8 बजे का टाइम था और मैं दुकान खोला, अपनी काउंटर वेंटर बाहर निकाला, साफ सफाई किया, पानी लाने के लिए सामने होटल में गया नागोरी में से पानी लेके आता हूँ, तब तक पापा नाम का एक लड़का है, गली में रहता है, वो मतलब चोर चमारे चर्सी टपोरी गर्दुल्ले है सर। और मैं पानी लाने के लिए होटल में गया, होटल का जैसे पानी लेके आता हूँ उधर से, तब तक वो गले में से मेरा पैसा मार के साइड हो जाता हूँ। तो ये जो दुकान है कौन सी जगह है आपकी दुकान है? एरिया का नाम क्या? अमृत नगर दरगाह रोड पर शानू भाई के ऑफिस के ऑपोजिट में, अशरफ शानू पठान के ऑफिस के पास। कितने बजे हुआ था ये? सुबह 8 बजे का टाइम था। कितना पैसा गया आपका? 15,000। कल सुबह 8 बजे कितना पैसा गया आपका? 15,000 रुपये। फिर उसके बाद आपने पुलिस में शिकायत की थी? कंप्लेंट करने के लिए गए, जवान करते बैठे वहाँ पे, एक कंप्लेंट लिखाने के लिए तो कंप्लेंट नहीं लिए, उन्हें वहाँ पर फोन मारे, यहाँ बीच गए तो मतलब ढूंढने के लिए घर पे गए तो घर पे भी मिला नहीं हम लोग को, तो वहाँ के पुलिस वाला है तो बोले अगर दिखता है तो बंदा तो हमको बुला, हम उठा के लेके जाएंगे। तो दिन भर हम लोग को मिला नहीं, तो रात को मिला 12 बजे, तो 12 बजे भी लेके गए हम लोग वहाँ को, मतलब चौकी के अंदर लेके गए, थोड़ा मारो उड़े उसको, बिठा कर रखे थे, मेरे को भी 4 बजे को ही बैठा कर रखे, मगर उन लोग ने कुछ एक्शन लिया ही नहीं, कंप्लेंट नहीं ली, मतलब कंप्लेंट नहीं ली। अच्छा, फिर मामला सर मेरे को एंट्री डाल के दो या कंप्लेंट लिख के दो, कुछ भी नहीं किया उन लोग ने, कुछ भी नहीं किया। नहीं, क्या बोले? छोड़ दिया। और वो मेरे को भी लास्ट में देखे, बोले अभी मतलब ऑफिस सब है नहीं, बोले सुबह आप 10 बजे यहाँ पे मिलेंगे, फिर क्या है बात करेंगे आपका। आप सुबह गए थे? नहीं, मैं सुबह नहीं गया सर, वो मालूम पड़ा मेरे को यहाँ गली में आया तो बोले तो छोड़ दिए, तो मैं गया नहीं गया। अच्छा, छोड़ दिए तो इसलिए आप गए नहीं? नहीं गया, कंप्लेंट भी नहीं की? नहीं। अच्छा, आप बताया जा रहा था कि आप ACP ऑफिस भी गए थे? नहीं गया सर, ACP ऑफिस जाने के लिए सोचा मगर मैं गया नहीं, मेरे को कुछ लोग बोले अगर ये नहीं ले रहे कंप्लेंट वहाँ जाओ, हाँ आप बोलोगे तो यहाँ फ़ोन गिराएंगे चौकी पे, फिर आपका काम वहाँ से हो जाएगा। Thank you.
धन्यवाद दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।